सेक्स रैकेट पर पुलिस शिकंजा कस रही है, मगर देह व्यापारी धड़ल्ले से अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस ने नारनौल रोड पर स्थित राव ओयो होटल पर छापेमारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को पकड़ा है। देह व्यापार में शामिल महिलाएं दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य राज्यों से हैं। दरअसल ये पूरी कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। ओयो राव होटल में बाहर से लड़कियां बुलाकर अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर DSP नारनौल के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस ने होटल में बोगस ग्राहक भेजा और सौदा तय होने के बाद इशारा मिलते ही पुलिस ने होटल में रेड कर दी। देखो, काफी दिनों से कुछ शिकायतें आ रही थी हमारे पास में कि अनैतिक देह व्यापार का एक होटल में, राव जो होटल है, ओयो राव होटल करके जो महेंद्रगढ़ रोड पे है, तो वहाँ से हमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी उसको रिगार्डिंग, इसके लेकर रिगार्डिंग। तो हमने आज एक संयुक्त टीम बना के उस पर रेड की गई, जिसमें से अनैतिक देह व्यापार होना पाया गया था। कितनी महिलाओं को सर हिरासत में लिया, कौन कौन आज हिरासत में नहीं? महिलाओं को नहीं, इसमें जो अनैतिक देह व्यापार जैसे मैनेजर है और उसके होटल मालिक हैं जो ऐसा बुलाते थे और उनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जाता था। सर कहाँ से बुलाया जाता था इनको? का डिफरेंट स्टेट जैसे दिल्ली, कोई यूपी और कहीं पंजाब से भी। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? मुकदमा दर्ज कर लिया है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें अभी तफ्तीश जारी रहेगी। आज कितनी महिलाएं आई हैं? आज हमें जो मौके पे थी वो 5 महिलाएं। क्या कार्रवाई आगे भी पुलिस की जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल। DSP जितेंद्र ने बताया कि इस सब के चलते उन्होंने होटल मालिक, होटल के मैनेजर और 5 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य लोगों के इस मामले से जुड़े होने की भी संभावना है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोड़िया, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।